बड़वानी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आयोजित अधिकार समागम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजघाट रोड पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित बैठक में जिले के तीनों विधायक सहित कार्यक्रम के प्रभारी विजया लक्ष्मी साधो सहित कांग्रेस के दिग्गज हुए शामिल। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे। मंच पर कांग्रेस विधायक ग्यारसीलाल रावत ने कहा कि हम टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं, हम निमाड़ अंचल के आदिवासी कभी कम नहीं। वहीं बाला बच्चन ने मंच से कहा कि कांग्रेस के 15 माह के शासन में मध्य प्रदेश के गुंडे भागने लग गए थे। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी विजया लक्ष्मी साधो ने कहा कि इस समय अत्याचार उन व्यक्तियों का हो रहा है जो शोषित थे, पीड़ित थे। इसके साथ ही उन्होंने इसके साथ में कर्मचारियों, महिलाओं और व्यापारियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज की तारीख में सुखी है। सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा, यह सरकार प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटकर सौदे कर सौदागरी की सरकार बैठी है, इसलिए इनको किसी व्यक्तियों से किसी से लगाव नहीं है। आज प्रदेश में हर व्यक्ति बहुत मुसीबत में है और इसी को देखते हुए कमलनाथ जी इस प्रदेश में जन आक्रोश रैली, समागम रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार कि हम आदिवासी है, हम टिकाऊ है, हम लोग बिकाऊ नहीं है। हम बता देंगे हम लोग कि हम इस मध्य प्रदेश के निमाड़ाचल में रहने वाले आदिवासी कभी कम नहीं है, पर हम उससे कम नहीं है हम लोग। चाहे वो हमारे बड़वानी जिले के हो, इंदौर के हो, भोपाल के हो, जबलपुर के हो, ग्वालियर के हो, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने के गुंडे हो, कमलनाथ जी की कार्रवाई से मध्य प्रदेश के गुंडे 15 महीने में मध्य प्रदेश छोड़ के भागने लग गए थे, भूमिगत होने लग गए थे। अत्याचार उन व्यक्तियों पे हो रहा है जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अन्य समाज का गरीब तबका हो। आज सभी शोषण के शिकार बनते जा रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। यहाँ तक कि मैं कर्मचारियों को कहूँगी कि कर्मचारी जो जात है वो भी निरीह प्राणी है, वो भी सरकार के दमनकारी रवैये को भुगत रही है। और चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के ऊपर रेप के केस हो, सभी लोग आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि सुखी अगर कहा जाए। और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकार मैंडेट के आधार पे तो इस प्रदेश के अंदर नहीं बैठी है। इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटकर, लोकतंत्र का गला घोटकर पिछले दरवाजे से सौदा करके सौदागरों की सरकार बनी है, तो इनको किसी व्यक्तियों से किसी से लगाव नहीं है। आज हर समाज का व्यक्ति और हर व्यक्ति आज इस प्रदेश के अंदर बहुत मुसीबत में है, और उसी को देखते हुए आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश में जन आक्रोश रैली, समागम रैली का आयोजन। दूसरा